ये सर भेरिया टाउन है, फेज 7, जी जी और ये आईफल टावर है। जी जी और माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद है। ये देखिए जी, ये बैराटन का घोड़ा चौक है। ये देखिए हम मौजूद हैं बैराटन रॉलबनी में, और ये देखिए खूबसूरत अस्सलाम वालेकुम, और क्या हाल है, तब से ठीक है। मेरा नाम है मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेम अब्बासी। आज हम आए हुए हैं बैराटन रावलपिंडी इस्लामाबाद। अभी हम आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे ये कैसी सिटी है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है ना बैराटन में खूबसूरत जगह हैं वो हम अब आपको सब दिखाएंगे। अभी हम चलते हैं और आपको ये दिखाते हैं ये जो बना हुआ है, और ये है हमारे होस्ट जो हमारे हमें यहाँ पे लेके आने वाले हैं। ये हैं भाई हमारे इमरान भाई, ये हमें यहाँ पे लेके आए हैं। ये देखें, इनसे मिलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ये बताएं ये कौन सी जगह है, पहले तो आप ये बताएं। ये बैराटन फेस 8 है। फेस 8 है, हाँ जी फेस 8 है। फेस 8 का जो नक्शा है ना, कमर्शियल एरिया, जी जी, जो जिसमें रिहायश होती है, रिहायश के अलावा एक कमर्शियल एरिया, बिजनेस एरिया, बिजनेस एरिया जिसे कहते हैं। टोटल प्लाजे, सही है, ठीक है ना, मतलब शॉपिंग हॉल, प्लाजे, सिनेमा, होटल वगैरह, यहाँ पे फैमिली वगैरह गेस्ट हाउस है वो साइड पे है। जी जी, यहाँ पे देखने के लिए और कौन कौन सी खूबसूरत जगह है? यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारी खूबसूरत जगह है बैराटन में, जैसे राडो हो गई, दो तीन और भी जगह है। ठीक है, ठीक है, आपको लेके चलते हैं। चलो ठीक है, ठीक है जी, वो हमें भाई लेके जा रहे हैं आगे, वो हम जगह आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये देखे माशाल्लाह खूबसूरत, ये देख दे जाए आप माशाल्लाह कैसी पहाड़ों के ऊपर बनाई गई है सिटी है, खूबसूरत ऊंचे नीचे जगह, रोडें ऊंची नीची, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है। ये क्या हो गया भाई, नी बड़ा जंप। अब माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद है, खूबसूरत माशाल्लाह। ये देखे जी, ये बैराटन का घोड़ा चौक है, ये ऊपर देखे घोड़े बनाए गए हैं चौक के ऊपर। माशाल्लाह हम आपको चारों तरफ का व्यू चेक करवाते हैं इस चौक का। माशाल्लाह ये देखे खूबसूरत, कमाल है यार, कमाल है यार, खूबसूरत है माशाल्लाह। ये है जी मिनी टावर जो कि रावलपिंडी बैराटन में है। मांगते हैं लोग, मांगते हैं दोबारा लो, बस भाई ने आपका काम कर दिया। आपका चैनल किस नाम से? ये जो जगह है अभी हम चलते हैं और चल के भाई बैठे हैं कैफे वाले, उनसे पूछते हैं कि इस जगह का नाम क्या है और आपके कैफे का नाम क्या है और आपके पास क्या क्या सहूलत मौजूद है।
अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? सब सर ठीक है? कैसे हैं आप? ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो आप ये बताएं कि ये कौन सी जगह है? ये सर भैरिया टाउन है, फेज 7। जी जी। और ये आईफल टावर है। जी जी। और ये मैंने कैफे ओपन किए हैं यहाँ पे ऑन द वे के नाम से। जी जी। OTW सही है। तो मुझे 4 मंथ हो गए यहाँ पे। जी। ये लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी थी माशाल्लाह, तो मैं आया, मैंने कहा यहाँ पे एक सेटअप होना चाहिए, इसी तरह कैफे होना चाहिए। जी जी। इसमें लोगों को रिफ्रेशमेंट के लिए जी कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें अवेलेबल हो, यहाँ पे वो आके बैठे, माहौल एंजॉय करें जी, और अच्छा कुछ फूड उनको मिले यहाँ पे बैठने का, तो अच्छी गपशप हो सके। इसलिए मैंने यहाँ पे आया और 4 महीने हो गए यहाँ पे मैंने ओपन किया है। तो इंशाल्लाह इसकी अपनी तरफ से भी कोशिश यही है इसके, वो करेंगे। आप आए जी, मैंने जी, आपको भी कहा कि आपसे मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह 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 जो ये वीडियो देख रहा है उनसे भी हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं उन्हें जी, तो जो आपके थ्रू आएंगे इंशाल्लाह जी, उनको हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे। सर आपके पास क्या क्या चीज होती है आपके कैफे पे? हमारे पास ये हमारा बार है, इसमें कॉकटेल मॉकटेल मार्गरिटा जूसेस वगैरह मिल्क शेक्स वगैरह, फिर फास्ट फूड है हमारे पास जी, ये पास में है जो, और ये साथ ही सेटअप है, साथ सेटअप है, ठीक है ठीक है। और उसमें हमारे पास चाइनीज फूड है जी, और पाकिस्तानी फूड भी है जी, और टोटली ड्रिंक्स वगैरह चाय कॉफी लेमिनेट से सब कुछ ठीक है। सर आप लोकेशन दोबारा वीडियो में बता दें कि ये कहाँ पे आना है। जी सर, लोकेशन इसकी जो है आईफल टावर भैरिया टाउन फेज 7। ठीक है सर, ठीक है सर, मेहरबानी सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।